नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शहर में कमेटी चौक स्थित बाल उपवन आश्रम में पल रही अंजलि को बेल्जियम के दंपति ने गोद लिया। ये गोद लेने की प्रक्रिया भारत सरकार और बेल्जियम सरकार ने संयुक्त प्रयासों से पूरी हो पाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरनजीत कौर, संस्था के प्रधान रवि भूषण गर्ग व अन्य सदस्यों के बीच में अंजलि को दंपति निजकुश व स्कूप मार्टिन को सौंपा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तरनजीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि बाल उपवन आश्रम में स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी बनाई हुई है। इस एजेंसी द्वारा जनवरी 2017 में CWC कुरुक्षेत्र द्वारा अंजलि को भेजा गया था। इस आश्रम में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही इसे यहाँ पर रखा गया है और सभी सुविधाएँ मुहैया करवाते हुए बाल पोषण किया जाता है। इसके बाद आश्रम द्वारा सारा पोर्टल यानी सेंट्रल अडॉप्शन अथॉरिटी पर अंजलि की डिटेल डाली गई। 4 साल के बाद बेल्जियम दंपति ने पोर्टल के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया स्वीकृत की। निज क्रिश और स्कूप मार्टिन दंपति बेल्जियम में बिजनेसमैन के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इस दंपति के पास में 2 लड़के हैं और वे अपने परिवार को बिना लड़की के अधूरा मान रहे हैं। अपने अधूरे परिवार को पूरा करने के लिए इन्होंने लड़की को गोद लिया है। उनकी मेहनत से उसे आज अंजलि मिल पाई। उनका मानना है कि आज उनका परिवार पूरा हो गया है। ऐसी सोच हर नागरिक की होनी चाहिए। वे लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के पूरा सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं है। आज लड़कियों ने अपने परिवार को काफ़ी समृद्ध किया है और काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। इस अवसर पर रवि भूषण गर्ग, अरुण शराफ, अजय श्रीवास्तव, पवन गर्ग, प्रेमचंद जैन, धर्मवीर सत्यदेव और अलावा कई संस्था के सदस्य भी मौजूद थे। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। We feel very blessed having her. How do you feel about having her? We feel very happy having Anjali in our family. Now our family is complete. We can go home now with her. We thank you very much. Here, the people here to take care of her. We were feeling very welcome here, and we are very happy with having her now. Thank you. How you think to adopt a child from India? We worked with an adoption agency in Belgium, Ray of Hope, and we knew we always wanted to have an adopted child after having our 2 boys with us, and that's why we chose to for India, and that's how she came in our family. ये बच्चा क्या सुरक्षित रहेगा, इसके लिए क्या प्रबंध किए जाते हैं? समझे कांड नुस्टैंड सेफ्टी ऑफ द स्टूड चाइल्ड। नो नो एक क्वेश्चन, ये बच्चा सुरक्षित रहे रहे इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए? नो ये कहीं आने आएंगे, ठीक है, हम तो पूछेंगे कौन कर दिया आपका, दिया जरूरी है। They have some. Finished my job for a couple of months so that I have the time to be at home with her every day to take care of her, and she will go to school when she feels like she's ready, and I will go back to my job at the minute that she is ready, that she can go to school, my school or my job starts also. So it's now we first look what is good for her. Ma'am, you already have 2 boys. Yes. You adopted a girl. What is the reason? The reason that we adopted a girl? No, I don't. I have to say, we couldn't say that we want a boy or a girl. We just could say in Belgium, you can say that you want to adopt a child. So, and we had to wait for the phone call to come that we knew that we were getting a daughter. But it's complete now. We already had 2 boys, so with our daughter now, it's perfect. It's perfect. Thank you.
गया, प्रक्रिया क्या रही, कैसे अलीबाग में बच्चा देना है, कैसे उन्होंने आवेदन किया, कैसे मापदंड रहेंगे, थोड़ा बताओ। कारा ऑल इंडिया में संस्था है जो बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे गोद दिलाती है, और कारा के साथ साथ बेल्जियम की एक संस्था है जो गोद लेने में और गोद दिलवाने में सहयोगी होते हैं, सहयोग करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रोसीजर थ्रू कोर्ट हुआ है, थ्रू एम्बेसी हुआ है, बेल्जियम और इंडिया के दोनों की सरकारों के सांझे प्रयास से ये बच्ची गोद गई है। ये बच्चा सुरक्षित रहेगा, इसके लिए आप क्या जान रखें कि कहीं इसको बंधु मजदूर न बनाए जाए, किसी तरह ठीक ठाक हो रहा था, तीन महीने का हर 3 महीने के बाद इसका फॉलोअप होगा, और जब वो फॉलोअप होगा तो उसमें सारी जानकारी ली जाएगी। हमने भी मैडम से रिक्वेस्ट की है कि व्हाट्सएप समय समय पर हमें भेजें, हम भी देख सकें। ये हमारी बेटी है, अब हमारी बेटी वहाँ गई है तो इस बात की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम उसका ध्यान रखें। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और हमारा मानना यह है कि कल से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे, दे आर वेरी हैप्पी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये मानते हैं एक लड़का एक लड़की हो गई, फैमिली कंप्लीट हो गई। वो ये कहते हैं कि बिना लड़की के फैमिली कंप्लीट होती नहीं है, इसलिए उन्होंने लड़की को अडॉप्ट किया है। और इनका मानना यह है कि हम इसको जिमनास्टिक करवाएंगे और जिमनास्टिक का प्लेयर बनाएंगे। इनके दोनों बेटे फुटबॉल के प्लेयर हैं, और अगर आप इनकी कोठी की मकान की फोटो देखें तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि हु दे आर। तो इसके नए बच्चे के माँ बाप का नाम क्या, बेल्जियम किस शहर के रहने वाले? बेल्जियम में जो नए बच्चे जो नए माँ बाप हैं उनके नाम रिकॉर्ड में हैं, अभी दिखा देते हैं आपको, शहर का नाम एड्रेस पूरा आपको बता देते हैं। उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है और ना होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका भी अधिकार है, जनता का भी अधिकार है। नाम नाम